मेरे चैनल वैश्य अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि संस्कृत विषय को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से पढ़ने समझने के लिए मैंने अपने इस चैनल की शुरुआत की है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि कुछ बच्चे तो बहुत ही रुचि के साथ पढ़ते हैं, परंतु कुछ बच्चों का इसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है, या यूं कहें कि वो उसको इतना पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट कम है, जबकि संस्कृत भाषा तो हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे हम देव भाषा भी कहते हैं। हमारी पूरी भारतीय संस्कृति इस भाषा पे आधारित है। तो जब इतनी महत्वपूर्ण है ये भाषा, तो क्यों ना हम इसे रुचि के साथ पढ़ें, जिससे कि हमारे देश का गौरव हमेशा बना रहे। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको अपने चैनल में पुरुष, वचन, लिंग, कर्ता और क्रिया का आपस में क्या मेल है, उसके बाद लकार के बारे में बताया। लकार के टॉपिक को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू बता चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसके पहले के वीडियो आप देख सकते हैं। आज मैं आपको लकार पार्ट थ्री का पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको लकार यानी कि पांच प्रकार के लकार मैंने आपको बताए हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो आज की वीडियो में हम आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में बताएंगे। तो आज से पहले के वीडियो में मैंने आपको लट लकार, लिट लकार, लंग लकार के बारे में बताया। इन लकारों को कैसे याद करना है, इनकी मुख्य पहचान क्या है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो आज हम आपको लोट लकार, जिसे कि आज्ञावाचक के सेंस में प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। उसके बाद विधि लिंग लकार, जो कि चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग होता है, कैसे लर्न करना है, इसकी पहचान क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो आइए हम सबसे पहले लोट लकार के बारे में पढ़ते हैं। लोट लकार यानी कि आज्ञा के सेंस में, जब हमें कोई ऑर्डर देता है कि तुम उठो, तुम बैठो, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तो इस सेंस में हम जो है वो लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि तुम पढ़ो या वो पढ़े, हम पढ़े, ये इस तरीके से हमें कोई ऑर्डर दे, हमें कुछ करने के लिए कोई कुछ कहे, तो हमें जो वाक्य बनाएंगे, जैसे जो हिंदी में जो वाक्य होगा उसका जो संस्कृत में हम अनुवाद करेंगे, तो हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। तो लोट लकार में सबसे पहले हमारा तो चार्ट वही चलता है, पुरुष वाला वचन। तो पुरुष, पुरुष में वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और वचन, तीनों वचनों में। तो लोट लकार कैसे चलते हैं ये हम आपको बताएंगे। तो प्रथम पुरुष है, एक वचन है, सबसे पहले बनता है तू, यानी कि तू हमारा लोट लकार है और उसमें हमारी धातु जुड़ जाएगी। उससे पहले क्या धातु हमारी चल रही है, पट, क्योंकि पट धातु सबसे अच्छी है। पट माने होता है क्या, पढ़ना, पढ़ना तो अच्छा होता ही। तो तू से पहले हम पट ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, पट प्लस तू पठतु, यानी कि जब हम किसी को कहेंगे कि वो पढ़े तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सा पठतु। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी और प्रथम पुरुष एक वचन का ही हमारा कर्ता भी उसमें प्रयोग होगा। दूसरा आता है ताम, एक वचन में आया तू, द्विवचन में आया ताम, कि वो वे दोनों पढ़े, जब हम ये कहेंगे तो सा के बाद आता है तौ कर्ता और क्रिया आती है पठताम, यानी कि ताम हमारा लोट लकार है और उसके पहले पठ धातु ऐड हो गई तो हमारी क्रिया क्या बनी, पठताम, यानी कि तौ पठताम। तीसरा आता है प्रथम पुरुष बहुवचन में अंतु, अब उसमें हमारी धातु कौन सी जुड़ी, पठ, तो पठ प्लस अंतु बन गया पठंतु, प्रथम पुरुष बहुवचन में। और जब हम कहेंगे कि वे सब पढ़ते हैं या वे सब पढ़े, इस तरीके का हम ऑर्डर देंगे, सबके लिए कहेंगे कि वे सब पढ़े या वे सब खेले, तो वे सब पढ़े तो ते पठंतु। तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में तू, द्विवचन में ताम, बहुवचन में अंतु। तो हम इसको लर्न भी ऐसे ही करेंगे, तू ताम अंतु। धातु हमारी पट की जगह कोई भी हो वो हम इससे पहले ऐड कर देंगे तो हमारा लोट लकार के धातु रूप बन जाएंगे। अब दूसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन।
मध्यम पुरुष एक वचन में, बस हमें क्या याद करना है, आ। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आ। इसके पहले हमारी कोई भी धातु आ जाएगी, जैसे कि पट धातु है और आ है, तो पट प्लस आ, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पे पट ये धातु है और प्लस आ, तो ठा, ठा में नीचे हलंत लगा हुआ यानी आधा है, और जब उसमें आ ऐड हो गया तो हमारी धातु बन गई पट। ये हलंत यहां से हट जाएगा, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बन गया, पट। तो मध्यम पुरुष का कर्ता जैसे आप क्या है होता है एक वचन में, तुम पढ़ो, जैसे हम किसी को सेकंड पर्सन को ऑर्डर दे तुम पढ़ो, तो तुम पट। अब उसके बाद आता है मध्यम पुरुष द्विवचन तम, क्या याद रखना है, अ के बाद तम, यानी कि कोई भी धातु है उसके पहले हम धातु ऐड करेंगे, धातु प्लस तम, तो पट प्लस तम क्या बन गया हमारा, पठतम। बस धातु में हमारी तम ऐड हो जाएगा तो हमारा पठतम बनेगा। जैसे हम जब तम के बाद बोलेंगे, तम के बाद आता है युवाम, कि तुम दोनों पढ़ो, दो लोगों को हम ऑर्डर देंगे तो मेरा क्या वाक्य क्या बनेगा, युवाम पठतम। ये लोट लकार में हमारी वाक्य बनेंगे, आज्ञावाचक में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो हमारी लोट लकार का प्रयोग होगा। थर्ड आता है हमारा बहुवचन में मध्यम पुरुष में ता, क्या याद रखना है हमें, ता। तो ता से पहले हमें अपनी धातु ऐड करनी है, पट हमारी धातु है, तो पट प्लस ता बन गया हमारा पठत, सिंपल एकदम। बस हमें ता याद रखना है लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। जब हम कहेंगे तुम सब पढ़ो, तुम सबको हम ऑर्डर दे रहे, तो तुम सब पढ़ो, तो तुम युवाम युयम, तो युयम तुम सब की संस्कृत हो गई युयम, और पढ़ो तो पठत पठत, तो युयम पठत। तो जो हमारा बहुवचन का कर्ता होगा तो बहुवचन की हमारी क्रिया भी प्रयोग होगी। तो मैंने आपको बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरा हमारा आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन, संस्कृत का थर्ड पर्सन। मैं या जैसे हम कहेंगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का कर्ता हमें पता ही क्या होता है, एक वचन का अहम, और एक वचन की हमारे लोट लकार में क्या बना, आनी, तो आनी से पहले क्या जोड़ना है हमें, पट। तो पठ प्लस आनी, तो हमारी क्रिया क्या बनी, पठानी। जैसे मैं पढ़ूं तो अहम पठानी, ये हमारा शब्द बना। अब दूसरा द्विवचन में आता है आव, तो आव से पहले मुझे क्या ऐड करना, पठ, तो पठ प्लस आव हमारा शब्द क्या बन गया, पठाव। तो हम दोनों पढ़े तो वयम, अहम, आवाम, आवाम, पठाव। आपको कर्ता का चार्ट याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस वचन और पुरुष का कर्ता होता है उसी वचन और पुरुष की क्रिया भी प्रयोग की जाती है। अब उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या याद रखना हमें, आम, इसमें हलंत नहीं है, विदाउट हलंत है आम। तो आम से पहले हमें क्या याद ऐड करना है, पट, अपनी धातु पट की जगह कोई भी धातु हो आप ऐड कर दीजिए, पट प्लस आम, तो क्या हमारा शब्द बन गया, पठाम। तो कहेंगे हम सब पढ़े तो वयम पठाम। तो ये हमने आपको लोट लकार बताया। लोट लकार हमारा आज्ञावाचक के सेंस में प्रयोग किया जाता है, जब हमारे अनुवाद में या हमारे सेंटेंस में कोई आज्ञा हो तो हम उस जगह पे लोट लकार का प्रयोग करेंगे। इसको याद करने का तरीका यही है कि तू ताम अंतु अतम त आनियाओ आम, ये आप रट लीजिए। इसके में आपको कोई भी धातु आ जाए तो बस इससे पहले आपको अपनी धातु ऐड करनी होती है और आपके सेंटेंस बन जाते हैं, आपकी क्रिया बन जाएगी उससे। इसकी मुख्य पहचान क्या है कि जो आपको अनुवाद दे रखे होंगे, जैसे हिंदी से संस्कृत में आपको अनुवाद दिया होगा, तो जो हिंदी में जो वाक्य लिखा होगा उसमें आज्ञा का भाव होगा, ऑर्डर होगा, तो हम उसमें लोट लकार की धातु प्रयोग करेंगे। तो मैंने आपको बताया लोट लकार आज्ञावाचक के सेंस में कि आपको प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन में तू ताम अंतु, मध्यम पुरुष अतम त, उत्तम पुरुष आनी आव आम, ये आपको याद रखना। तो अब हम पढ़ते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकारा यानी कि चाहिए के अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी ऐसा वाक्य हो जिसमें आपको ये लगे कि ऐसे करके आए कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें बैठना चाहिए, इस सेंस में कोई वाक्य दिए हो तो आप विधिलिंग लकार की धातु का प्रयोग करेंगे।
इसमें पुरुष प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है एत, द्विवचन में एताम, बहुवचन में एक। तो प्रथम पुरुष एक वचन में एत। सबसे मुख्य पहचान इसको आपको ये याद रखना है या इसको कभी भूलेंगे नहीं अगर ऐसे लर्न कर लेंगे, एक ही मात्रा हर धातु रूप में लगी रहती है। जो भी हमारी धातु होती है उसमें हम ये ऐड कर देंगे, एक ही मात्रा ऐड हो जाएगी, तो वही हमारी मुख्य पहचान है विधिलिंग लकार की। जैसे कि हमारी पट धातु है और पट और उसमें प्रथम पुरुष एकवचन का हमने एक ऐड किया, तो ये देखिए आप ऐसे पट प्लस एक, यानी कि ये मात्रा आपकी एक ही मात्रा ठापे चढ़ जाएगी, तो बन गया हमारा पठे। इस तरीके से आपको कोई भी धातु हो पट की जगह वध हो, वध प्लस एत तो वधेत हो जाएगा, पिब धातु हो पिब प्लस एत तो पिबेत हो जाएगा। तो आपको मेन आपको ये लर्न करना है ए देताम एयु, ए जो है ये इसकी एक ही मात्रा जो है विधिलिंग लकार की मुख्य पहचान है। तो जैसे कि प्रथम पुरुष एक वचन में उसे पढ़ना चाहिए, उसे यानी कि थर्ड पर्सन है तो सा पठेत। दूसरा आता है द्विवचन में एताम, एताम से पहले हमारी धातु ऐड हो गई, पठ प्लस एताम तो बन गया हमारा शब्द पठेताम, यानी कि वे दोनों को या उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो सा के बाद आता है तो पठे ताम। सारे लकार बताने के बाद जब हम आपको अनुवाद बताएंगे तो आपको लकार और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अभी तो मैं चूंकि लकार के बारे में ही आपको बता रही हूँ इसलिए केवल लकार और धातु को जोड़ करके क्या क्रिया बनेगी वही हम आपको बता रहे हैं और लकार को लर्न करने का तरीका बता रहे हैं। बहुवचन में बनता है एयू, तो एयू से पहले हमारी पट धातु ऐड हो गई तो बन गया हमारा शब्द पठेयू। जैसे कि उन सबको पढ़ना चाहिए तो ते पठेयू। तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में हमारी क्रिया बन गई। अब हमारा आता है मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष ए और उसके आगे विसर्ग यानी कि मात्रा भी चढ़ेगी और उसके आगे विसर्ग भी लगेगा। तो ए से पहले पठ ऐड हो गया तो प ठ और ठापे की मात्रा ठे और ठे के आगे लग गया हमारा विसर्ग तो बन गया पठे, यानी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम पठे। अब मध्यम पुरुष द्विवचन में आते एतम, अब देखिए ए सब में चल रहा है, ए की मात्रा सब में ऐड होगी, ये हमारी विधिलिंग लकार की मुख्य पहचान है। एतम से पहले हम पठ ऐड कर देंगे तो मेरा शब्द क्या बन जाएगा पठेतम, यानी कि तम के बाद युवाम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम। तीसरा आता है मध्यम पुरुष बहुवचन में एत, हमें क्या याद रखना एत, यानी कि एत से पहले हमारी धातु ऐड हो गई पठ प्लस एत तो क्या बन गया हमारा शब्द पठेत, यानी कि तुम सबको पढ़ना चाहिए तो युयम पठेत। तुम सबकी संस्कृत क्या होती है यूयम और पढ़ना चाहिए पठे यूयम पठे। अब थर्ड हमारा आता है उत्तम पुरुष यानी कि इंग्लिश का फर्स्ट पर्सन और संस्कृत का थर्ड पर्सन, एम ए यानी कि एम एक वचन में एम, पठ में हम एम जोड़ दें पठ प्लस एम तो हमारा शब्द क्या बना पठेयम, हमें पढ़ना चाहिए मुझे पढ़ना चाहिए तो अहम पठेयम। द्विवचन में एव याद रखना आपको, एव से पहले पठ ऐड कर देंगे तो पठेव बन जाएगा पठ प्लस एव, एक ही मात्रा ठापे चढ़ जाएगी। बहुत ही मेरे हिसाब से देखा जाए तो सब लकारों में लट लकार के बाद लट लकार तो सबसे आसान है ही है, उसके बाद विधिलिंग लकार भी बहुत आसान, बल्कि आप सारे लकारों को अगर लिंक बना के याद करेंगे उनकी पहचान को याद रखते हुए तो आप लकार कभी नहीं भूलेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन में आता एम यानी कि एम से पहले पठ ऐड हो जाएगा तो पठेम, मेरा शब्द क्या बन गया पठेम, यानी कि हम सबको पढ़ना चाहिए तो वयम पठेम। तो मैंने आपको बताया विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में जिसका हम प्रयोग करते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन में एत एतम एयू, मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में ए एतम एत और उत्तम पुरुष एक वचन में एम द्विवचन में ए बहुवचन में एम, यानी कि आपको ए तेतम एयू
ये आपको मेन लर्न रखना है। अगर आपको ये अच्छे से याद है तो धातु आपको कोई भी दी गई हो, पट की जगह गम धातु हो, पिप धातु हो, वस धातु हो, भव धातु हो, आप ये लकार याद रखेंगे तो धातु ऐड करके अपने धातु रूप बना सकते हैं। इसकी मुख्य पहचान क्या है? एक ही मात्रा लगी रहती है। तो मैंने आपको पांचों लकारों के बारे में अब तक बता दिया। लकार को मैंने तीन वीडियो में, तीन पार्टों में डिवाइड करा था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको लकार कितने प्रकार के होते हैं और लट लकार के बारे में पूरा चार्ट बनाकर बताया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको लिट लकार और लोट लकार के बारे में बताया, लंग लकार के बारे में बताया। थर्ड वीडियो में आज मैंने आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार के बारे में बताया। इसकी मुख्य पहचान क्या है ये भी मैंने आपको बताया। याद करने का तरीका भी मैंने आपको समझाया। यदि इस मेथड से आप लकार लर्न करेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। धातु आपको कोई भी दी गई हो, अगर आपको लकार ये शॉर्ट टर्म में याद है, इनकी पहचान पता है, तो आप अपने धातु रूप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो लकार को समझने में तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं।